कुछ दिनों पहले आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम शामिल हुए थे। इस प्रोग्राम में वो हिंदू देवी देवताओं का बहिष्कार करने की शपथ लेते हुए नजर आए थे। इस पर हंगामा बढ़ने और एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रविवार को उन्होंने खुद से ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसे कि स्वीकार कर लिया गया। राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफे के बाद से अब इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि आखिर दिल्ली कैबिनेट का नया मंत्री कौन होगा। हालांकि ये तो साफ है कि उनकी जगह किसी नए दलित चेहरे को ही केजरीवाल कैबिनेट में जगह दी जाएगी, लेकिन वो चेहरा आखिर किसका होगा, वो तस्वीर अब तक साफ नहीं हुई है। ऐसे में इस वक्त आपके सभी दलित विधायकों को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। अब पहले तो ये जान लेते हैं कि किसको लेकर सबसे ज्यादा बात हो रही है। पहला नाम आता है कुलदीप कुमार का, जो कि कोंडली से विधायक और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के काफी करीबी माने जाते हैं, साथ ही पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि वो राजेंद्र पाल गौतम की जगह ले सकते हैं। इसके बाद नाम आता है करोल बाग के एमएलए विशेष रवि, जो कि पिछले 3 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल की गुड बुक्स में शामिल हैं। तीसरा नाम मंगोलपुरी से 3 बार की विधायक राखी विडलान का है, जो दलित होने के साथ महिला भी हैं। फिर इसके बाद पटेल नगर से एमएलए राजकुमार आनंद का नाम है, जो गरीब तबके से आते हैं, साथ ही पत्नी भी आपसे विधायक रही हैं। दोनों ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद माने जाते हैं। आपके यह है दलित विधायकों की लिस्ट। सुल्तानपुर माजरा से मुकेश अहलावत, बवाना से जय भगवान, मंगोलपुरी से राखी बिडलान, मादीपुर से गिरीश सोनी, अम्बेडकर नगर से अजय दत्त, देवली से प्रकाश जारवाल, करोल बाग से विशेष रवि, पटेल नगर से राजकुमार आनंद, गोकलपुर से सुरेंद्र कुमार, कोंडली से कुलदीप कुमार, सीमापुरी से राजेंद्र पाल गौतम, त्रिलोकपुरी से रोहित मेहरोलिया,